बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर आल्सो फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 6, एंड आवर टॉपिक विल बी सॉल्विंग द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हमें गिवन है, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस गिवन है उन इक्वेशंस की फॉर्म में। वो किस फॉर्म में? इक्वेशंस की फॉर्म में, उन्हें हम लोगों ने सॉल्व करना है। प्रैक्टिस नो 11 है, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को सॉल्व करना सीखा था, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नहीं था, इक्वेशन की वो फॉर्म में नहीं था। बस आप लोगों ने दो या तीन से ज़्यादा आप लोगों को फ्रैक्शंस प्लस या माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही थी, वो आप लोगों ने करना सीखा। आज हम लोग नया काम करना सीख रहे हैं कि अलजेब्रिक फ्रैक्शंस होंगी और इक्वेशंस की फॉर्म में। तो प्रैक्टिस नो फर्स्ट का ए पार्ट है, सॉल्विंग ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हर इक्वेशंस को हम लोगों ने सॉल्व करना है। ए पार्ट है, ए माइनस 3/5 प्लस 2a-1/3 इक्वल्स टू 4। अब देखिए इक्वल का साइन भी आ रहा है और ये बैलेंस भी इंशाल्लाह होंगी, क्योंकि हम लोगों ने ए की वैल्यू, ए हमारे पास अननोन आ रहा है ना, तो हम लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। तो इक्वल्स टू 4 है। तो पहले आप लोगों ने ये सीखा कि जब भी हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में टर्म्स होंगी तो जो नीचे वाले डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का हम लोगों ने क्या लेना है? एलसीएम। डिनोमिनेटर का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम किसके डिनोमिनेटर में? हमारे पास 5, 3 और इसके नीचे तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। 5 और 3 का अगर तीनों के नीचे इक्वल से, इस तरफ भी जितनी टर्म्स आ रही हैं और इस तरफ भी, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, उन सब का डिनोमिनेटर का हम लोगों ने एलसीएम लेना होता है। अब यहाँ पे तो राइट साइड पे कोई नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड पे हमारे पास 5 और 3 है डिनोमिनेटर में। अगर इस तरह फॉर एग्जांपल कुछ 3 होता, 7 होता, कुछ भी नंबर होता, तो हम लोगों ने उसका भी तीनों का इकट्ठा एलसीएम लेना था, ठीक है। अब यहाँ पे 5 और 3 है, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। तो 15 हम लोगों ने जितनी, जब इस तरह से इक्वेशन की फॉर्म हो तो हम लोगों ने क्या करते हैं कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी टर्म्स को, ठीक है। एलसीएम हमारे पास एक ये टर्म है, एक 2a-1/3 एक ये टर्म है और इक्वल से इस साइड पे 4 है, 3 टर्म्स हैं। तो इन तीनों टर्म्स को हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ग्रीन से आप लोगों को सेपरेट मार्क किया हुआ नजर आ रहा है, 15 × a-3/5 प्लस 15 × 2a-1/3 इक्वल्स 4 × 15, ठीक है। अब इनकी कटिंग हो रही है, नीचे वाला लाजमी एलसीएम से कटिंग हुआ करेगा डिनोमिनेटर। 5 3 15 और 3 5 का, यहाँ पे 3 × a-3 रह गए प्लस 5 × 2a-1 इक्वल्स टू 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3a-9 प्लस 5 × 2 = 10, a-5 × 1 = 5 इक्वल्स टू 16। ए वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 3a और प्लस 10 ए कितना हो गया? 13 a माइनस माइनस प्लस होता है 9 और 5 कितना हो गया? 14। बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है तो माइनस इक्वल्स टू 16। तो ये वाला 14 इस तरफ माइनस के इस तरफ आके क्या होगा? प्लस 60 प्लस 14 13a। अच्छा तो स्टूडेंट्स देखें, 13 इक्वल्स टू 60 प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। 60 प्लस 14, 60 और 14 को ऐड करेंगे 74, 13 ए ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 13 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड होगा, इनको जब डिवाइड करेंगे 5 × 9/13, ये इसका आंसर आज हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। अब जो ए की वैल्यू आई है ना, यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करें, इक्वल्स टू 4 ही आएगा और ये बैलेंस भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने चेकिंग नहीं करना होता, बस वैल्यूज निकालनी होती है। जब इस तरह से अब समझ आ गया आप लोगों को, फ्रैक्शन में टर्म्स हो और इक्वल का साइन हो, तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम को सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक दफ़ा रिव्यू दे देते हो, फिर बाद में उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट है, 3 × 2b + 3 − 5/3b − 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास है 2b + 3 और 3b − 4, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जब इस तरह से होके अलजेब्रिक टर्म्स हो नीचे डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, तो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर सेम है तो उनका तो वही एलसीएम आएगा, सेम वाला ही। अगर डिफरेंट है तो उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2b + 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3b − 4 से, यही इसका एलसीएम आएगा। अब एलसीएम को इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स ये देखिए, अब आप लोगों को नजर आ रहा है 3b
2b + 3 × 3b − 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/2b + 3 से, −2b + 3 × 3b − 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 5/3b − 4 से, =0। इस साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना होता है और राइट साइड पे भी एलसीएम से, ठीक है। इस तरफ ये मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 0। 3b − 2b + 3 की ये कटिंग होगी, बाकी रह गई यहाँ पे 3b − 4 × 3 माइनस। अब यहाँ पे 3b − 4 किससे कटिंग होगी, बाकी रह गया 2b + 3 × 5 = 0। 3b 3b − 4 से मल्टीप्लाई होगा और 4 से भी, तो मल्टीप्लाई किया 9b − 12, और यहाँ पे 5 जो है 2b से मल्टीप्लाई होगा तो −10b − ± 5 × 3 = 15 = 0। अब b वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके साथ कोई साइन ना हो, प्लस का साइन होता है, 10 − ± 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1, बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है तो माइनस, वेरिएबल एज इट ही आएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, 12 और 15 को ऐड करेंगे तो 27 = 0। अब यहाँ भी ये देखिएगा, −1b को इस तरफ ही रहने दिया, 27 इस तरफ माइनस के, इस तरफ आगे प्लस का होगा 27। b के साथ −1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 27 को −1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा −27। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आज का हमारा यहाँ तक था लेक्चर्स। तो आज की जो आप लोगों की डायरी होगी वो होगी क्वेश्चन नंबर 6 A to J पार्ट, प्लस क्वेश्चन नंबर 14 A to E और क्वेश्चन नंबर 18। यही आप लोगों ने प्रैक्टिस में करना है और यही आप लोगों ने होमवर्क में करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।